फिल्म योद्धा की कहानी में तीन महिलाएं हैं, एक भारत सरकार में सीनियर पोजीशन पर है, दूसरी एयर होस्टेस है और तीसरी पायलट। इन तीनों की कहानियों के केंद्र में एक योद्धा है। योद्धा यानी जल, थल और नभसेना के जाबांज लड़ाकों की एक ऐसी टीम जो किसी भी हालत में दुश्मन पर हमला करके उसके इरादे नेस्त नाबूद कर सकती है। इनके लीडर ने जाबांजी अपने पिता से विरासत में पाई है। शहीद स्मारक पर वह पिता के नाम पर दुलार फिराता है, पत्नी को मिसेज कत्याल कहकर बुलाता है और हवाई जहाज के कलपुर्जे ऐसे पहचानता है जैसे कॉलेज की पढ़ाई उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की ही की हो। कहानी अपनी टाइमलाइन में मेंढक सी उछलती आगे बढ़ती है और असल मुद्दे तक आने के बाद दर्शकों को ऐसा अपने जाल में फंसाती है कि क्लाइमैक्स पर कहानी के साथ लैंड करने के अलावा दर्शकों के पास दूसरा कोई चारा बचता नहीं है। बीते साल फिल्म पठान, जवान, गदर 2 जैसी फिल्मों से देश प्रेम की चाशनी में पगी जलेबी सी गोल गोल घूमती एक्शन कहानियों का जो सिलसिला हिंदी सिनेमा ने अपने सीने से लगाया है, उसका नया प्यार है फिल्म योद्धा। नई पीढ़ी के दर्शकों को उनका हमउम्र एक्शन हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा के रूप में अब जाकर मिला है। सिद्धार्थ मल्होत्रा को फिर से बड़े पर्दे पर स्थापित करती इस फिल्म का रहस्य रोमांच आखिर तक साधे रहने में इसके तीन कलाकारों राशि खन्ना, दिशा पाटनी और सनी हिंदुजा ने अच्छा काम किया है। राशि खन्ना को भारत सरकार के सचिवालय में शुरू से ही कार्यरत दिखाकर सागर आम्ब्रे ने घर के भीतर ही दो पाले खींच दिए। इस आंतरिक संघर्ष से फिल्म को एक अंतरधारा भी मिलती है। दोनों ने अपने अपने किरदार बहुत ही संजीदगी से और बिना ओवर एक्टिंग किए निभाए हैं। सरहद के दूसरी तरफ बैठे आतंकवादी जलाल के किरदार में सनी हिंदुजा को किसी हिंदी फिल्म में मुख्य खलनायक का मिला ये अहम किरदार है। योद्धा का किरदार उन्हें नई पहचान दिलाने में कामयाब होता दिख रहा है। फिल्म योद्धा इस साल की पहली सटीक सस्पेंस एक्शन थ्रिलर है। इस फिल्म को रोचक बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट फिल्म के दोनों निर्देशकों को जाता है। फिल्म की पटकथा इतनी चुस्त और परतों वाली है कि दर्शक लगातार इसकी पहेलियां सुझाने में ही उलझा रहता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के अभिनय क्षमता की अपनी सीमाएं रही हैं, लेकिन इस बार इनसे आगे जाने की कोशिश भी उन्होंने की है। फिल्म का सबसे ऐसे ही रोचक और मजेदार वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।